नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। देश की जानी मानी सिंगर अनुराधा पौडवाल की राजनीति में एंट्री हो चुकी है। वो इन दिनों बीजेपी की स्टार प्रचारक के तौर पर सियासी मैदान में अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। अनुराधा पौडवाल का नाम लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी दिग्गज गायकों के साथ शुमार किया जाता है। अनुराधा पौडवाल का जन्म कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में हुआ और वे कोंकणी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने अपना पहला गाना 1973 में आई फिल्म अभिमान में गाया था। हिंदी गानों के अलावा उन्होंने 1500 से ज़्यादा भजनों को अपनी आवाज़ दी। सनातन से गहरा रिश्ता रखने वाली अनुराधा पौडवाल को सादगी से जीना पसंद है। आज हमारे साथ वो स्टूडियो में खुद मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, आइए उनका रुख करेंगे। अनुराधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत में। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, आप स्टार प्रचारक बनी हैं बीजेपी की तरफ से। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बहुत ही फ्रूटफुल आपका करियर रहा है, इतनी बेहतरीन सिंगर रही, 80 और 90 के दशक में आपने बॉलीवुड में बेहतरीन गाने गाए और उसके बाद फिर भजन आपने गाए इतने बेहतरीन, तो फिर अब राजनीति में एंट्री क्यों? देखिए, आमतौर पे कोई भी अगर जैसे बीजेपी ज्वाइन किया या कोई भी पार्टी ज्वाइन करते हैं, लोगों को ऐसे लगता है कि वो कहीं से इलेक्शन लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, ये एक ही फोकस लोगों के दिमाग में होता है। ऐसा नहीं है। जब आप किसी कंपनी किसी पार्टी को समर्थन देते हैं तो इट इज़ बेसिकली कि उनके वैल्यूज़ में आप बिलीव करते हो। तो इनका एजेंडा हमेशा सनातन के लिए रहा है और मैंने हमेशा सनातन को सपोर्ट किया है, इसीलिए मेरा समर्थन बताने के लिए मैंने ये ज्वाइन किया, ना कि कहीं से चुनाव लड़ने के लिए। ऐसी क्या, आपने कहा कि विचारधारा, तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपको लगता है आपकी विचारधारा और पार्टी की विचारधारा मैच कर रही है? सनातन से जुड़ी हुई हर विचारधारा कुछ इस वक्त कुछ चीजें होंगी ना जो आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। देखिए, ऐसा है कि इस वक्त की हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि जितने सनातनी हैं वो एक विचार से इकट्ठे आएं और अपने देश को स्ट्रॉन्ग बनाएं, और जो सनातन को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको हमारा समर्थन दे दें। दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द आवर, है ना। तो सनातन में ऐसा नहीं होता है कि क्या क्या, ये क्या अच्छा लगा, वो क्या अच्छा लगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब ये कोई फिल्म नहीं है, इट्स अ विचारधारा है ये, इट इज़ हमारा वे ऑफ लाइफ है। तो सनातन से जुड़ी हुई हर चीज़, पहली बार, मतलब इतने सालों में पहली बार ऐसे हुआ है कि किसी ने सनातन को सपोर्ट किया है। अनुराधा जी, क्योंकि आप कह रही हैं सनातन की वजह से आप एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप राजनीति में आपने एंट्री की है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि देश के लिए ये कितना अच्छा रहेगा, क्या देश के भविष्य के लिए कैसा रहेगा, जो विचारधारा जिसके साथ आप चल रही हैं, फ्यूचर कैसा रहेगा देश का इस तरह की विचारधारा से? नहीं, इस तरह की विचारधारा में हमारा देश हमेशा सनातन रहा है, तो कोई ऐसा नहीं है कि ये अभी से इंट्रोड्यूस किया है। जो हमारा कल्चर रहा है उसी को, उसी का सम्मान करते हुए अगर वो हमारी स्ट्रेंथ बनाते तो इसमें बुरा क्या है? जी जी, यहाँ पर क्योंकि अनुराधा जी आपकी आवाज़, क्योंकि मैं खुद आपके इतने सॉन्ग सुन चुकी हूँ, मैं खुद आपकी आवाज़ की फ़ैन हूँ, बहुत बैलेंस है आपकी आवाज़ में, बहुत कामनेस है, और जाहिर सी बात है आपके इतने फैंस हैं, आपकी आवाज़ की वजह से आपको ही जानते हैं। तो ऐसे में एक तरफ आपका ये करियर रहा जिसमें आपकी बेहद खूबसूरत आवाज़ रही, बहुत बहुत बैलेंस और अच्छा सब कुछ काम रहा, दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं राजनीति की जिसमें आपने एंट्री की है, जहां पर अपनी आवाज़ बुलंदी करनी होती है, अपने जो जो ऑपोजिशन में हैं या जो अपने विरोधी हैं उनको कुछ कहना भी होता है, वाद विवाद भी चलता है, कटाक्ष भी होते हैं, तो ऐसे में आप कैसे बैलेंस कैसे बिठा पाएंगे? दो अलग चीज़ें हैं, आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है और ये राजनीति बिल्कुल अलग है जिस तरीके से काम होता है। ये चॉइस आपका अपना पर्सनल चॉइस होता है कि आपको कंट्रोवर्सी में पढ़ना है या नहीं पढ़ना है,
या अपने जो वैल्यूज है उसी को स्ट्रेंथन करना है। मैं अपने वैल्यूज को स्ट्रेंथन करने में बिलीव करती हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैंने बीजेपी ज्वाइन करके मेरा जो प्रोफेशन या जो मेरी विचारधारा है उसके खिलाफ मैंने कुछ किया, ऐसे मुझे नहीं लगता है। जी आप स्टार प्रचारक हैं अनुराधा जी, तो आप कई जगह जा रही हैं, बहुत व्यवस्था बढ़ गई होगी, बहुत बिजी आप हो गई होंगी, तो कैसे मैनेज कर रही हैं, किस तरीके से आपकी लाइफ में भी बहुत चेंज आया होगा स्टार प्रचारक बनने से पहले और पहले की लाइफ और अब की लाइफ बहुत चेंज हो गई होगी, तो वो हम चाहेंगे आप बताएं कि कैसे मैनेज कर रही हैं आप, क्योंकि पॉलिटिक्स तो बहुत ज़्यादा आपको बिजी रखता है। देखिए मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, ओके, और जिस वक्त पार्टी को लगेगा कि कहीं पे मुझे ज्वाइन करना है एज अ स्टार प्रचारक तो वहाँ पे वो मुझे बोलेंगे, लेकिन इट्स टू अर्ली टू से, अभी बहुत ज़्यादा इट्स टू अर्ली, और ऐसा नहीं है कि मतलब आप शायद इसमें आपके मन में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि जो लोग इलेक्शन के लिए खड़े रहते हैं ना उनकी भागदौड़ ज़्यादा रहती है, तो हम लोगों का तो हमारा तो काम समर्थन का है। तो आप लोगों के बीच जा रही हैं, तो आपको लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या आपको जब जो लोग बीच में लोगों के बीच जाते हैं बात करते हैं क्या महसूस हो रहा है आपको कि इस बार क्या होने वाला है? मैं इसमें इतना ही कहूँगी, मेरा जो रोल है वो समर्थन देने का है ना, आप कितने भी क्यों ना मुझे अलग अलग तरीके से पूछो मेरा जवाब वही रहेगा, ओके, और मुझे इतना विश्वास है कि जिस चीज़ में मैं विश्वास रखती हूँ मैं अगर उसका समर्थन करती हूँ तो मेरे जितने फैंस हैं तो वो मेरे साथ हैं और उनकी भी विचारधारा वही है, तो उनकी जो रिएक्शन वो वही है। अनुराधा जी, पहले की राजनीति और अब की राजनीति में आप कितना फर्क देखती हैं? मैं इसमें नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ सनातन का समर्थन देने के लिए यहाँ आई हूँ, ना कि ऐसे कुछ आप मुझे अलग अलग ढंग से पूछे मैं कुछ बोलूँ ना वो फिर हेडलाइंस बने, इसमें मैं नहीं हूँ, सो यू प्लीज़ लीव मी आउट ऑफ दिस, ओके, बिकॉज मैं अपनी जो इमेज है उसी आई प्रिफर स्टिकिंग बाय दैट इमेज। अनुराधा जी बिल्कुल, बहुत मैं वही कह रही हूँ आपसे कि आपकी बहुत ही बेहतरीन आपकी पूरी इमेज है, तभी आपको इस चीज़ के लिए चुना गया है, लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत बैलेंस है आपकी आवाज़ में आपकी बातों में, तो मैं वही जानना चाहती हूँ कि आप लोगों के बीच जा रही हैं, आप कुछ बात कर रही हैं, तो क्या बातचीत हो रही है, किस तरह का रिस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है? अभी तक तो मैं नहीं गई हूँ, लेकिन जो लोगों का जो रिस्पॉन्स जो है इट इज़ वेरी पॉजिटिव, क्योंकि मैं कहीं कंट्रोवर्सी में आई नहीं हूँ, कंट्रोवर्सी में जा ही नहीं रही हूँ और मेरा इरादा भी नहीं है, सिर्फ अपना जो धर्म है उसको स्ट्रॉन्ग करना ये मेरा काम है, ये मेरा कर्तव्य है और वो मैं कर रही हूँ। तो अनुराधा जी अभी तक आप कहाँ कहाँ गई हैं? अभी तक नहीं गई हूँ, अब शायद मेरी आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रही है ना, तो मैं अभी तक नहीं गई हूँ, लेकिन जहाँ जाती हूँ मैं अपने प्रोफेशन से भी, वहाँ जहाँ मुझे लोग मिले हैं उन्होंने तो मुझे यही बोला है कि वो इस चीज़ का समर्थन करते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि क्या क्या चीज़ें हैं सनातन का आप समर्थन कर रही हैं और इस वजह से आप पार्टी के अंदर आई हैं, क्या क्या और चीज़ें हैं सनातन में जो आप चाहती हैं कि देश पे लागू हो आगे, क्योंकि आप इस विचारधारा को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही हैं? देखिए सनातन सबसे पहले तो ये है, इट इज़ सनातन मतलब अपना धर्म, बहुत सारे लोग धर्म को और रिलीजन को एक समझते हैं, ओके, हिंदुइज्म इज़ अ पार्ट ऑफ सनातन, लेकिन सनातन इज़ अ वे ऑफ लाइफ, ये अपना कर्तव्य की बात करता है, तो मुझे लगता है कि ये हम करते आए हैं, जो जो सनातनी है वो ये करते आए हैं, तो इसी को स्ट्रेंथन करना और उसके सही मानों पे जो मतलब जो उसका जो सही रास्ता है उस पे चलना जहाँ जहाँ पे मौका मिले, यही इसका इसकी रिक्वायरमेंट है। कौन से ऐसे नेता हैं जो कि आपको लगता है कि बहुत अच्छे से सनातन को निभा रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं आपकी पार्टी में? जो लीडर हैं, हमारे जो लीडर हैं माननीय
प्रधानमंत्री मोदी जी, तो इन्होंने तो मतलब सनातन को आगे ले जाने का बेड़ा उठाया है और उस डायरेक्शन में उनके स्टेप्स हैं। तो अगर वो सनातन के लिए कुछ कर रहे हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है, ना सिर्फ मेरा लेकिन जो जो सनातनी उन सबका कर्तव्य बनता है कि उनको सपोर्ट करें। योगी जी के बारे में आपकी क्या राय है? वो भी बहुत अच्छे से सनातन निभाते हुए नजर आते हैं। योगी जी करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो हर इंसान, मैं पर्टिकुलरली किसी किसी का नाम नहीं लूं, लेकिन वो हर इंसान जो सनातन को सपोर्ट करता है, मैं उनके साथ हूँ। अनुराधा जी, अगर आप प्रचार करने जाएंगी, जाहिर सी बात है मौका मिलेगा आपको, जब बनाए हैं तो मौका मिलेगा आपको, तो ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपसे कहें भजन सुनाओ, या बोल सकते हैं कि कोई एक गाना सुना दीजिए, तो ऐसे मौके में फिर आप क्या करेंगे? भजन के लिए तो ऑफ कोर्स गाऊंगी, ये तो मतलब मैं पिछले 50 साल से करती आई हूँ, तो मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है। लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो म्यूजिक के जरिए ही जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर अनुराधा पौडवाल जो कि बता रही हैं किस तरीके से सनातन की जो विचारधारा है, सनातन धर्म की वजह से वो यहाँ पर जुड़ी हैं बीजेपी के साथ, और ऐसे में यहाँ पर कहाँ कहाँ कुछ आपको बताया है अनुराधा जी कि कहाँ आप आपको भेजेंगे, क्या कार्यक्रम रहेगा आगे? जिस वक्त मुझे पता चलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगी। हम आपको आगे एक्टिव पॉलिटिक्स में देखेंगे? नहीं। हर्ज क्या है इसमें अनुराधा जी, क्या हर्ज है? आपकी इतनी अच्छी इमेज है, अगर आपको इसमें क्या हर्ज है? कई स्टार्स हैं जो कि एक्टिंग करते हैं और उसके बाद वो पॉलिटिक्स में है। कंगना रनौत को देख लीजिए, कितने सारे, पूरी गिनती है कई स्टार्स की, तो सिंगर्स क्यों नहीं? दूसरों के लिए मैं नहीं बोल सकती। ओके, के बारे में मतलब, और क्योंकि आप एक विचारधारा को सपोर्ट कर रही हैं, स्टार प्रचारक हैं आप, ऑब्वियसली आपका नाम अब सामने आया है तो आगे रहेगा, तो ऐसे में क्या हम आपको आगे एक्टिव पॉलिटिक्स में देखेंगे कभी आगे? कल तो मैंने देखा नहीं है, मौका मिला तो मैं आज का बोल सकती हूँ, लेकिन ये मेरी विचारधारा है तो मैं अपनी विचारधारा पे चलूंगी और बाकी जो आर्टिस्ट है वो अपनी विचारधारा से चलेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर अनुराधा पौडवाल जी बता रही हैं कि किस विचारधारा की वजह से वो आई हैं और यहाँ पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं चाहूँगी आप ज़रूर बताएं कि क्या लगता है आपको, किस तरफ ऊँट बैठेगा, किस तरफ रुख करे, हवाएं किस तरफ की हैं, क्या आपको लग रहा है? 400 के पार का नारा लग रहा है आपकी पार्टी की तरफ से। देखिए, यहाँ तो मैं एक चीज तो डेफिनेटली देख रही हूँ कि इंसान चाहे कुछ भी करना चाहे लेकिन आप उनको करने नहीं देंगे, आप अलग अलग इस ढंग से प्रश्न पूछेंगे कि आप उसको घसीट के लेके ही आएंगे। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं सिर्फ सनातन के लिए बोलूंगी। राधा जी, आप एक पार्टी के साथ जुड़ी हैं और वो ना कोई बात नहीं, महाराष्ट्र में कितनी सीट आ सकती है कुछ तो पार्टी, मुझे पता नहीं वो उन्होंने कैलकुलेट, वो सब सोचने के लिए बहुत पूरी फौज है ना, वो मुझे जरूरी नहीं कि मुझे उसके बारे में सोचना है। अनुराधा जी, हिंदू राष्ट्र के बारे में आपकी क्या सोच है, क्योंकि आप सनातन को सपोर्ट कर रही हैं, हिंदू राष्ट्र के बारे में आपकी क्या सोच है? अच्छा ही होगा, अब राम राज आया है, राम जी अभी आए 500 साल के बाद, तो अच्छा ही होगा, इसमें ना अच्छा होने जैसा कुछ भी नहीं है। तो राम लला की स्थापना के मौके पर आपको गाने का मौका मिला था, तो क्या वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? बहुत ही ऑस्पिशियस मूवमेंट था और आपको इतना बड़ा मौका उस समय मिला था, तो वो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 20 साल पहले जब मैं गई थी अयोध्या, तो उस वक्त मैंने देखा था कि मेरी एक कल्पना थी कि अयोध्या में राम जी का बहुत भव्य मंदिर होगा और बड़ी सी मूर्ति होगी, तो मैं जब गई थी तो वहाँ पे एक टेंट था, और जब मैंने देखा तो बहुत बुरा लगा मुझे कि एक टेंट में एक चबूतरे के ऊपर रामलला की छोटी सी मूर्ति वहाँ बिठाई है, तो उस वक्त बहुत मन में मुझे परेशानी हुई थी और मैंने कहा रामलला जल्दी से बाहर आ जाओ, आपका जब भव्य मंदिर बनेगा उस वक्त मैं ज़रूर आपके लिए गाऊंगी आकर के।
और वो मौका मुझे 20 साल बाद मिला, तो ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी कृपा है और एक अद्भुत क्षण है, जिसे मतलब हर इंसान जिसे ये मौका मिले तो अपने साथ जिंदगी भर में एक पिविटल पॉइंट जो समझता है, उच्चांग समझता है, तो इसके लिए मैं बहुत ही कृपा समझती हूँ रामलला की। अनुराधा जी, क्योंकि आप वहाँ पर थी, जिन लोगों ने घर पे बैठ के टीवी पे सब कुछ देखा, क्योंकि जिस दिन ये प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस दिन इसके अलावा और किसी चीज़ के बारे में बात नहीं हो रही थी, इसके अलावा लोग यही सब देख रहे थे घर से या जो लोग वहाँ जा सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कि आप वहाँ पर थी तो आपके लिए ये मोमेंट कैसा था। तभी तो मैं कहती हूँ कि ये सनातन का पर्व शुरू हुआ उस वक्त से, उस क्षण से, क्योंकि उस वक्त ये नहीं था कि कोई इसके बारे में सोच रहा है, किसी के बारे में सोचा और कोई एजेंडा सोचा, हर एक के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ रामलला थे। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, मुझे नहीं लगता किसी भी मंदिर में, दुनिया के किसी भी मंदिर के लिए ऐसा नहीं होगा जो रामलला। बहुत बड़ी चीज थी और पूरे दुनिया के जितने सनातनी थे, जितने लोग, और सनातनी मतलब जो राइटियसनेस में बिलीव करते हैं, मैं उसको सनातनी कहती हूँ, क्योंकि बहुत वास्ट है, ये नैरो नहीं है। मैं आपके लिए सनातन क्या है, आपके लिए क्या है? मेरे लिए सनातन धर्म है, और धर्म का मतलब धर्म का पालन, कोड ऑफ कंडक्ट। बिल्कुल, यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट और जीने का तरीका, जो कि सनातन जीने का तरीका है, वो है। लेकिन यहाँ पे मैं इंडिया की बात करूँ अनुराधा जी, तो आजकल बहुत यंगस्टर्स हैं वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं, रीमिक्स का दौर है सब कुछ। अगर आप देखें तो आपको बहुत सारी एकदम अलग अलग चीज़ें हमारे देश में ही दिखेंगी, तो उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, बहुत चीज़ें उसकी अपना रहे हैं, बदलाव बहुत आ रहा है, चाहे आप चाहो या ना चाहो, बदलाव तो आ रहा है। इसीलिए जो सही रास्ता दिखाएं, जो सनातन का सही मतलब समझाएं, ओके, ऐसे और लोगों ने सामने आके बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा फ्यूचर तो हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है, अभी की जो नई जनरेशन है, यही हमारा फ्यूचर है, तो उन तक उस लैंग्वेज में बात समझाई जाए जो उनको समझ में आती है। और आपको लगता है कि यहाँ पर ये काम हो रहा है, आपकी पार्टी में ये काम हो रहा है, सही तरीके से समझाई जा रही है चीजें? तो मैं तो बोलती हूँ पार्टी में तो हो रहा है, लेकिन बाहर जो जैसे मेरे जैसे लोग गए तो और लोगों को आना चाहिए, जैसे अमित जी हैं जिन्होंने मेलुहा लिखा है, ट्रायोलॉजी ऑफ शिवा लिखा है, ये बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं, जो बच्चे बच्चे उनकी किताबें वगैरह पढ़ते हैं, तो बच्चों को उनके भाषा में समझाने का एक तरीका होता है, तो ऐसे लोग और ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए। यहाँ पर अपनी विचारधारा को आगे रखने की ज़रूरत है, जिस पर आप बिलीव करते हो वो चीज़ आपको रखनी चाहिए यहाँ पर। क्योंकि अनुराधा जी, क्या आपकी बेटी भी आएंगी पार्टी में, क्या वो भी बीजेपी ज्वाइन कभी? क्योंकि अनुराधा जी क्योंकि देखिए, आप जहाँ पे भी जाएंगी आपके सॉन्ग्स की, आपकी गायकी की बात होगी, तो यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूँगी, आजकल रीमिक्स का दौर है, सारे जो पुराने गाने हैं उनको नए अंदाज में परोसा जाता है, उस पर आपकी क्या राय? वो इसलिए क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो किसी भी चीज को, वेदर इट इज म्यूजिक, खाना है, कुछ भी है, तो वो अपने मतलब जिस लाइफस्टाइल के वो आदी है उसी लाइफस्टाइल में वो सुनना चाहते हैं या खाना चाहते हैं। तो मुझे याद है कि आज से 35 साल पहले हम लोग जब पूना जाते थे तो घाट में बीच में रुक करके हम वड़ा पाव खाते थे, आज बच्चे लोगों को वो नहीं, आज उनको चाहिए बेक्ड वड़ा पाव, ये कभी हमने सोचा भी नहीं था उस वक्त, बिकॉज वो हर एक ढंग को अपने तरीके से वो देखना चाहते हैं। तो आज का जो रिमिक्स का दौर है उसको आप कैसे देखती हैं, क्या गानों के साथ जस्टिस हो पाता है? इतने खूबसूरत गाने हैं उनको चेंज कर दिया जाता है, क्या जस्टिस हो पाता है उनके साथ? ये खूबसूरत आपको और मुझे लगते हैं, वो वही करते हैं जो उन्हें खूबसूरत लगता है। अब ये कॉन्सेप्ट है हर एक का अपना अपना,
तो इतना ही हम प्रे कर सकते यही जानना हैं। चाह रही हूं कि आपको लगता है कि जस्टिस होता है उन गानों के साथ? हम यही प्रे कर सकते हैं कि वो गाने से खिलवाड़ ना करें, थोड़े से चेंजेस जरूर करें, लेकिन ओरिजिनल को और उससे आगे वाली जनरेशन तक पहुंचे, इस तरह से वो गाने को रखें। अनुराधा जी, क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ गया है, आखिरी सवाल आपसे ये मैं जानना चाहूंगी, एज अ स्टार प्रचारक और आप एक बिल्कुल विचारधारा और पार्टी की विचारधारा मिल रही है, कितनी आप एक्साइटेड हैं अपने इस नए रोल के लिए? मुझे बहुत खुशी है कि मुझे मौका मिला है, और यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आज तक जिस तरह से लोगों के दिलों में मुझे जगह मिली है ये भक्ति के गाने गा करके, उसी तरह से इसमें भी मुझे ईश्वर कामयाबी दे, क्योंकि उनके धर्म का प्रचार है ये, तो इसमें भी कामयाबी मिले, यही मेरी ईश्वर से विनती है। बिल्कुल। और आप 10 साल बाद अपने देश को आप कहाँ देखती हैं, कहाँ देखना चाहती हैं? ये बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि जहाँ पे वैल्यूज सिखाए जाते हैं और वैल्यूज को लेकर के हम प्रोग्रेस करते हैं, वो हमेशा देश हमेशा स्ट्रांग होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा जी, आप यहाँ पर हमारे साथ श्रेष्ठ भारत में हमारे साथ जुड़ी, अपनी बातें रखी, अपनी विचारधारा रखी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी अनुराधा पौडवाल, जिन्होंने बताया कि क्यों उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, क्यों राजनीति में उन्होंने एंट्री की है, और अपनी बात रखते हुए, अपनी विचारधारा रखते हुए अनुराधा पौडवाल श्रेष्ठ भारत पर। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाज़त।